अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज हम आ गए एक अमेजिंग वीडियो के साथ फिर से। तो गाइज चलो आज हम शुरू करते हैं क्यों ना एक ब्राइडल लुक, यानी कि गाइज बहुत ही प्यारा सिंपल ब्राइडल लुक होने वाला है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ डिटेल मेकअप। तो गाइज यहाँ पर मेरे पास है गार्नियर का क्लेंजिंग वाटर। मेकअप वाइप करते हैं जो गाइज मैंने यहाँ पर फेयर एंड लवली लगाया था पहले, वो हमें वाइप करना पड़ेगा। तो गाइज इसे लेंगे कॉटन पैड में। बाद आपने लेना है तो गाइज ये देखिए यहाँ पर जो मैंने फेयर एंड लवली वगैरह लगाया था वो है। तो गाइज आपने यूज करना है अपना मॉइस्चराइजर। तो गाइज ये रहा हमें मॉइस्चराइजर। तो गाइज आप कोई भी ब्रांड का मॉइस्चराइजर ले सकते हैं अगर आप फर्स्ट लाइक प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो। तो गाइज मैंने मॉइस्चराइजर लगाया हुआ है। और नेक्स्ट यहाँ पर है हमारे पास किस ब्यूटी का 24K गोल्ड सीरम, यानी कि प्राइमर, यानी कि गाइज मेकअप बेस। तो गाइज मैं यहाँ पर ले रही हूँ और हमें इसे अप्लाई कर लेना है। गाइज आपके पास बेस नहीं है तो आप एलोवेरा से भी काम चला सकते हैं। जो लाइक एलोवेरा ट्रीज में रहता है वो एलोवेरा नहीं, जो एलोवेरा जेल मिलता है वो आपको लेना है। तो गाइज यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट बेस जो है कंप्लीट हो चुका है और अभी नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताते जाऊँगी। तो गाइज मैं यहाँ पर ले रही हूँ लिक्विड कंसीलर, अंडर आई पर लगाना है। तो गाइज लगाने के बाद अब मैं फिर से लेना है कंसीलर। यहाँ पर जो अपने लाइक स्पॉट्स पिंपल वगैरह दिख रहे हैं थोड़ा उस पर भी लगा दीजिएगा, जैसे कि मेरे दिख रहे हैं। तो गाइज ये बहुत ही इजी मेथड है। तो गाइज बहुत ही अच्छा तरीका है ब्लेंड करने का। तो गाइज आपने सिंपली जो अपना ब्यूटी ब्लेंडर रहता है इसे वेट कर लेना है और यूज़ करना है। गाइज वेट कर यूज़ करने से जो बहुत ही फ्लॉलेस फिनिशिंग आती है ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर के कंपैरिजन में। देखिए मैं जो फिनिशिंग है वो कर रही हूँ। और टाइम लीजिएगा ब्यूटी ब्लेंडर चलाने में, क्योंकि गाइज तभी फिनिशिंग अच्छी तरीके से आएगी। तो गाइज नेक्स्ट हमें करना है कॉन्टोर। ये रहा हमारा कॉन्टोर पैलेट, बहुत ही अमेजिंग है गाइज ये देखिए यहाँ पर। तो गाइज इसे यूज़ करने के लिए हमें चाहिए एक इस तरीके का स्पॉन्ज, जो गाइज बहुत ही इजीली इसमें से हम शेप्स काट सकते हैं। इसीलिए अगर आप बिगनर हैं तो इस तरीके का स्पॉन्ज आपको इजीली अमेज़ॉन में मिल जाएगा, आप लेकर यूज़ कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर है मेरे शेड। तो गाइज ये देखिए यहाँ पर कितने प्यारे शेड्स हैं कॉन्टोर के। आपने लेना है फर्स्ट अपना स्किन टोन कलर और आपने इधर करना है टैप टैप टैप। गाइज ये देखिए यहाँ का और यहाँ का शेप कितना चेंज हो गया है। आपने इसे सिर्फ डैब 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 करना है और ये सेट हो जाएगा। और शेड गाइज ये देखिए यहाँ पर कितना डिफरेंस है। तो ये वाला हम शेड ले रहे हैं और आपने सिंपली इस तरीके से यहाँ पर देना है। देखिए लाइट से हमारा जो कॉन्टोर है माशाल्लाह अच्छी तरीके से लाइक। गाइज ये देखिए ये वाला शेप और ये वाला शेप यहाँ पर थोड़ा मोटा मोटा दिख रहा है और यहाँ पर जो है अच्छी तरीके से हमारा शेप क्रिएट हो गया है। तो अभी हम इस तरफ भी कर लेंगे अब क्रीम ब्लश। तो गाइस क्रीम ब्लश लेने के लिए मैं ये वाला शेड लूँगी, आप देखिए ये वाला शेड। तो गाइस आपने करना है इसके ऊपर टैप डैप तरफ आपने जाना है, नीचे मत जाइए। इस तरीके से जाएंगे तो शेड जो है ख़राब दिखने लगेगा आपके फेस का। यहाँ पर मैंने दे दिया है और इधर भी हम वैसे ही करेंगे, पर भी करूँगी ताकि लाइक जो शेप है अच्छे आए। और यहाँ पर भी चिन पर थोड़ा देंगे और अपने फोरहेड पर थोड़ा सा जो हमारे ब्लेंडर में है वो ही प्रेस करेंगे हम।
गाइस मैं यहाँ पर ले रही हूँ अपना, तो गाइस मेरे पास है यहाँ पर ब्रश। तो गाइस यहाँ पर है हमारा कॉन्टोर वाला हिस्सा और यहाँ पर है कॉन्टोर वाला हिस्सा जो कि मैंने प्रेस्ड पाउडर यूज़ किया है। ये देखिए ये रहा मेरा प्रेस्ड पाउडर, ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है। आपने लेना है प्रेस्ड पाउडर और आपने करना है ब्रश की मदद से डैब डैब। तो गाइज यहाँ पर हो जाता है अपना बहुत ही प्यारा बेस कंप्लीट। तो गाइज अभी हम जाएंगे अपने आईब्रोज आई शेड्स पर। गाइज हालांकि हमें करना चाहिए आईब्रोज आई शेड, उसके बाद हमें जाना पड़ेगा हमारे बेस पर। लेकिन गाइज अगर आप बिगिनर हैं तो ये वाला ट्रिक यूज़ कीजिएगा, बहुत ही इजी और आसान है, आपका बेस भी हो जाएगा और फॉलो आउट भी नहीं होएगा। तो गाइज तो गाइज आपने डिसाइड करना है कि आप क्या कलर का पहनने वाले हैं, यानी कि जिससे कि गाइज मैं यहाँ पर ब्लू वाला पहनने वाली हूँ और इसके ऊपर है गोल्डन वर्क। तो मेरी स्किन कितनी क्लीन एंड क्लियर यहाँ पर दिख रही है। तो गाइज नेक्स्ट है आपने लेना है यहाँ पर ब्रशेस। तो गाइज मैं यहाँ पर एक मोटा वाला ब्रश ले रही हूँ और गाइज यहाँ पर देखिए ब्लाइंडिंग ब्रश और ये रहा एक और ब्रश, एक और ब्रश, एक और ब्रश, यानी कि गाइज हम सिर्फ 5 ब्रशेस से ही हम सारा मेकअप कंप्लीट कर देंगे। तो गाइज पहले तो आपने कर लेने हैं अपने आईब्रोज कंप्लीट। तो गाइज आईब्रोज के लिए मैंने यहाँ पर थिन वाला इस तरीके का ब्रश लिया है और इसकी मदद से हम बनाएंगे आईब्रोज। और आपके आई के शेप अकॉर्डिंग ही आपने जाना है। तो गाइज यहाँ पर देखिए हमने आईब्रो कितनी अच्छी क्रिएट की है, इसी तरीके से हमने इस आईब्रो को भी क्रिएट कर लेना है। तो चलो फटाफट से क्रिएट करते हैं। तो गाइज यहाँ पर मेरे पास है रियल ब्यूटी का मस्कारा और ये बहुत ही अच्छा है गाइज, अपने जो आईब्रोज है अच्छी तरीके से सेट कर देता है। तो गाइज ये देखिए कितने अच्छे तरीके से सेट हुए हैं आईब्रो। तो गाइज़ अगर आपके पास ये नहीं है तो इसका भी जुगाड़ है मेरे पास। तो गाइज़ अगर आपके पास कोई भी वाटरप्रूफ मस्कारा है, अगर वो खाली हो चुका है तो उसमें आपने सिर्फ थोड़ा बहुत एलोवेरा डालना है और उसके बाद ये जो कैप है क्लोज कर गर्म पानी में रख देना है और इसे अच्छी तरीके से रिमूव करिए, फिर डालिए, रिमूव करिए, डालिए, यानी कि मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद आपका जो है DIY ब्रूमर आपके पास DIY आईब्रो ब्रूमर रेडी हो जाएगा गाइज। ये है अपना देसी क्या बोलते हैं जुगाड़। तो गाइज ये हो गया है, नेक्स्ट हम जाते हैं अपने आई शेड्स पर। आई शेड्स पर जाने से पहले गाइज आपने लेना है एक ब्रश। तो गाइज एक ब्रश लेने के बाद आपने लेना है आपका लूज पाउडर। तो गाइज यहाँ पर है मेरे पास मैक का लूज पाउडर जो कि गाइज बहुत ही अच्छा है और हम इसे यूज़ करेंगे। तो गाइज लूज पाउडर लेना है आपने अंडर आई पर, इस तरीके से प्रेस कर रखना है। तो गाइज दोनों साइड मैंने लूज पाउडर लगा लिया ताकि जो भी हमारा आई शेड्स का फॉल आउट हो इसके ऊपर गिरेगा। जब हम इस तरीके से इसे खिसाएंगे तो आई शेड्स भी निकल जाएगा, वरना जो है हमारा मेकअप के ऊपर आई शेड बैठ सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा हैक है, आप भी यूज़ कीजिएगा। गाइज आपने लेना है एक फ्लॉलेस छोटा वाला थिन ब्रश और नेक्स्ट यहाँ पर है अपने शेड्स, ये देखिए। और गाइज मैं यहाँ पर ये वाला शिमरी ले रही हूँ और गाइज शिमरी को आपने इनर कॉर्नर पर लगाना है इस तरीके से। तो गाइज यहाँ पर देखिए शिमरी हमने लगाया, नेक्स्ट इस साइड पर भी ऐसे ही करेंगे। तो गाइज दोनों साइड शिमरी लगाने के बाद
हम लोग लेंगे यहाँ पर हमारा लाइट कलर, जो कि गाइज ये है मैट कलर। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैट कलर है और ये जो है कलर इसमें शिमर नहीं है। इसमें शिमर था जिसने हमें इनर कॉर्नर पर लगाया और इसमें शिमर नहीं है। तो गाइज ये वाला शेड लेना है आपने और यहाँ पर इस तरीके से जाना है, ताकि गाय अगर आप शिमरी शेड यहाँ पर लगाएंगे तो बहुत ही बुरा लगेगा। इसीलिए आपने जाना है इस तरीके से लाइट शेड पर, दोनों साइड लाइट शेड यूज करने के बाद आपने देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से दिख रहा है। अभी जो है हम इसे करेंगे क्लोज और हम उठाने वाले हैं यहाँ पर एक और हुदा ब्यूटी का बहुत ही प्यारा पैलेट। गाइज ये है शेड ब्लू में। तो गाइज अब सारे ब्लू शेड्स हैं और हमारा ड्रेस जो है वो भी ब्लू है, तो इसीलिए हम इस तरीके के लाइक ये वाले जो है शेड्स यूज़ करेंगे लाइट ब्लू। तो गाइज लाइट ब्लू को आपने इस तरीके से अपने वाइट के साथ ब्लेंड कर देना है। तो गाइज यहाँ पर देखिए कितने अच्छी तरीके से और आसानी तरीके से हो गया है पर देखिए। तो गाइज नेक्स्ट हम लोग यूज करने वाले हैं हमारा डार्क शेड मैट में। आपने गाइज थोड़ा शेड लेना है और सिंपली इस तरीके से ब्लेंड करना है और पहले वाले शेड से आपने मिलाना है, ताकि गाइज ये दोनों लाइक सिमिलर लगे। तो गाइज यहाँ पर जैसे कि मैंने अपना जो ब्लू है वो यहाँ पर थोड़ा आउटसाइड की तरफ लेकर जा रही हूँ, यानी कि आउटर कॉर्नर की तरफ पर जो है हमारा शिमरी शेड हम लेंगे और इस तरीके से लाइनर देंगे, इस तरीके से लाइनर का शेप देंगे और आपने ढकलना है इसे ऊपर की तरफ। यहां पर देखिए गाइस कितनी अच्छी तरीके से इजीली हमारा जो है आई मेकअप क्रिएट हुआ है। और अपने अंडर आई के पास अपने लाइक देना है, दे रही हूँ यहाँ हाफ आई पर। तो गाइज अगर आप बिगनर हैं तो ब्लेंड करने की कोशिश मत कीजिएगा इस तरीके से बड़े वाले ब्रश से, ताकि लाइक आपका जो पूरा आई मेकअप लुक है वो खराब हो जाएगा अगर आप बिगनर हैं तो। तो गाइज यहाँ पर है कितने अच्छे तरीके से हमारा जो है लुक क्रिएट हो रहा है। गाइज मेरे पास है यहाँ पर, तो गाइज बहुत ही आसान तरीका यहाँ पर है मेरे पास ग्लिटर आई टॉपर। तो गाइज मैं यहाँ पर लगाऊंगी थोड़ा और अपने फिंगर की मदद से इस तरीके से टैप करना है। तो गाइज देखिए कितने अच्छे तरीके से इसका लुक आ रहा है। तो गाइज मुझे थोड़ा डार्क चाहिए तो मैं थोड़ा और टॉपर लगाऊंगी और इसे जो है इस तरीके से हम देंगे। मस्कारा 2-3 कोट लगाना है आपने अच्छे तरीके से शेप आने के लिए। आई लैशेस लगा सकते हैं, मैं ऐसे ही मेकअप कर रही हूँ आपके वीडियोस के, बट मैं नहीं लगा रही हूँ गाइस क्योंकि जो है अभी मूड नहीं है आई लैशेस लगाने का इसलिए। तो गाइस यहाँ पर जो है हमारा फॉल आउट यानी कि जो एक्स्ट्रा वाला पाउडर था लूज पाउडर उसे हम फॉल आउट करेंगे। टमाटो कलर है ये देखिए। तो गाइस इसे हम करेंगे टैप,
बहुत ही अमेजिंग कलर है गाइज का। तो गाइज एक्स्ट्रा जो लिपस्टिक रहते हैं पहले आपने इस तरीके से लगा लीजिएगा और बाद में अपने ब्रश को लेना है। ये हो गया हमारा नीचे वाला कंप्लीट। अभी ऊपर तो गाइज ये देखिए कितना अच्छा हमारा जो लुक है वो क्रिएट हुआ है। और गाइज आप लोग एक चीज भूल गए, सबसे लास्ट बट लीस्ट गाइज मेन चीज़ है हाइलाइटर। फेस को बहुत ही ज़्यादा हाइलाइटर की ज़रूरत है क्योंकि वो हाइलाइट करता है अपने फेस। तो गाइज चलो अभी लाते हैं हम हाइलाइटर। तो गाइज ये रहा हमारा हाइलाइटर। गाइज नैरो ब्रश की मदद से हम लेंगे हाइलाइटर और अपने ब्रॉ बोन को करेंगे हाइलाइट। तो गाइज ये रहा अपना मेकअप लुक और अभी करते हैं ड्रेसअप। तो गाइज अभी हम करेंगे अपने इयररिंग्स चेंज। तो गाइज फाइनली है ये मेरा प्यारा सा ब्राइडल लुक। तो गाइज आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और गाइज ऐसे ही सपोर्ट करते रहना ऐसे ही वीडियोस के लिए। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच गाइज इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। और गाइज फाइनली इस वीडियो को भी जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें नेक्स्ट कौन सा वीडियो बनाए। तो गाइज जल्दी से चलो चलते हैं और इंशाल्लाह आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलो चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।